24 देखिए, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर बाई आयोटा रोटेट्स इट थ्रू, यहाँ पे फिर इन द ब्रेस्ट कर रहे हैं, इन द एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, किधर से रोटेट करता है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखा जाए तो अगर अगर हम लोग बात करेंगे कि जब किसी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं आयोटा से, ठीक है, आयोटा रोटेट्स इट थ्रू फिल इन द एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, तो वो कितना रोटेट हो जाएगा, तो एक्चुअल में वो 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। समझिए, मान लीजिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है, मान लेते हैं कि अगर हम लोग लिख देते हैं 1+ का आयोटा, अगर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 1+ आयोटा यानी कहने का मतलब कि 1 1 है हर क्वाड्रेंट, अगर हम लोग आयोटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो माइनस क्या आ जाएगा, माइनस का 1 और यहाँ प्लस का आयोटा आ जाएगा। करके देख लो, आप आयोटा से मल्टीप्लाई करके देखो, तो यहाँ ये आयोटा और प्लस का आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो गया, ये आयोटा, तो ये माइनस 1 और प्लस का 1, तो माइनस 1 किधर होगा, इधर x का माइनस 1 और प्लस का 1, तो इधर आ जाएगा वो पॉइंट माइनस 1 और 1। तो एक्चुअल में ये कहाँ से कहाँ रोटेट हुआ, यहाँ था, अब ये ऐसे यहाँ आ गया, यानी कि 90 डिग्री रोटेट होके और एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ए राइट एंगल भर देंगे, ए राइट एंगल, ठीक है।